अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इस टाइम फुल चार्जिंग हुई भी है, बैका मैं बैका रात चार्जिंग में लगा दिए थे अपने आपको व्लॉग एडिट करने के बाद। तो फातिमा मैडम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज दिन है संडे का और सुबह के बज चुके हैं 11 और हमारी मशीन लगी हुई है। हम धो रहे हैं कपड़े। यही काम रह गया कपड़े धुलने का, ही नाश्ते का था पता नहीं है दूर दूर तक। वैसे खैर आज मैं नाश्ते की शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि रात फातिमा ने जो हमें चिकन खिलाया था ना बना के, क्या था वो धुआंदार धुआं चढ़ा, समझाओ इसे। खुद नाम भूल गई फातिमा उसका, भुना चिकन। तो गाइस उसका नाम था भुना चिकन और उसको खा के जो हमारा फुल पेट रात भरा था ना, अभी तक भरा हुआ। माशाल्लाह से भी नाश्ते की जरूरत नहीं है। तो फातिमा आराम से मैडम कपड़े धो लें, व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस व्लॉग तो शुरू हो चुका है, मगर आप लोगों से थोड़ी सी अपने दिल की बात करनी थी। तो वो बात गाइस ये है कि भाई आपको जैसे पता है कल वाले व्लॉग के अंदर मैं हॉस्पिटल गया था और मैं रात को देर से आया, मैं और बिट्टू वहाँ से। तो भाई हॉस्पिटल जाने के बाद गाइस हमने कुछ ऐसा देखा कि भाई मतलब बातों में ऐसे ऐसे केस देखे वहाँ पे कि यार आप लोग है ना घर में बैठ के मतलब दुआ करिए कि भाई मतलब एक बहुत अच्छी खासी लेडीज, मतलब उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं और नई शादी हुई लग रही थी उनकी, और उनके हस्बैंड के मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा था उनके हस्बैंड से, और मुझसे वो उनका हाथ पकड़ के उनको बाथरूम तक लेके जा रही थी। और मतलब मुझे देख के इतना अफसोस हुआ फातिमा यार, मतलब ऐसा अजीब सा लगा कि यार अल्लाह ताला ने हमें अगर बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा तो इन परेशानियों से भी दूर रख रखा है अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है हमको। मतलब आप लोग जो भी मतलब सेहतमंद हैं, जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो मतलब यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र भेजा करिए। मैंने भी आज से फातिमा से सुबह उठ के ये बोला, मैंने फातिमा मैं कुछ ऐसा देख कर आया हूँ हॉस्पिटल के अंदर कि मेरी है ना आँखें एकदम खुल गई उसको देख के, यार लोग बहुत परेशान हैं इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कभी भी आप लोगों को ऐसा महसूस हो ना कि हमारे अंदर तकब्बुर आ रहा है, घमंड आ रहा है, एक दफ़ा हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसे ही चले जाओ। अगर कोई एडमिट भी नहीं है ऐसे ही चले जाओ, और माँ की जब आप परेशानी देखोगे ना, मैंने एक माँ को वहाँ पे रोते हुए देखा जो अपनी बेटी के लिए रो रही थी, और उसकी बेटी को वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन से उनकी हालत ख़राब हुई, पहले नीचे की बॉडी जो थी उस पर सूजन आनी शुरू हो गई। मतलब मैं खड़ा हुआ था विंडो के पास और वो आगे खड़ी हो गई मुझसे, खुद ही अपनी मतलब अपनी जो उनके ऊपर बीत चुका है वो मुझे बताने लगी कि भाई ऐसे ऐसे मतलब नीचे की पहले बॉडी उसकी नीचे सूजन आ गई, और फिर हमने सेकंड डोज जब लगवाई, हमसे डॉक्टर ने ये बोला कि तुम सेकंड डोज लगवा लो ये सही हो जाएगी। सेकंड डोज लगवाने के बाद गाइज उसकी बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो गई, और वो बेचारी वहाँ पे बेड पे मतलब लेटी हुई थी, मुझे देख के बड़ा तरस आया। और वो उसकी माँ जो थी वो रो रही थी, रो के उसने हमें बताया कि मतलब इस तरीके से कंडीशन उसकी है, मतलब हमारी मेरी बेटी की हो चुकी है। तो यार अल्लाह ताला इन सब बलाओं से, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनके जितने भी जानने वाले हैं दूर दूर तक, अल्लाह ताला सबको मतलब सेहत वाली ज़िंदगी दे, बस यही हमारी दुआ है। और उसी बीच हमारी एक जेंट से मुलाकात हुई हॉस्पिटल के अंदर, जो कि मतलब अपनी बेटी को लेकर आए हुए थे, जिसकी बेटी की उम्र थी 21 साल। और मैंने ही उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी को क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि मतलब इस तरीके से इसके मतलब अंदर का जो लीवर वगैरह जो होता है, अंदर का जो फंक्शन होता है जो भी, वो ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। और उन्होंने बताया कि मतलब ये मोमोज और चाउमीन बहुत खाती थी, चटनी लगा लगा कर खाती थी, और वो बेचारे ये बात कहते कहते ना रोने लगे। तो यार मुझे गाइस बहुत अफसोस हुआ यार ये चीज़ देख के सुन के। और वो बच्ची 21 साल की मासूम सी, वो वहीं पर बैठी हुई थी, उसके यहाँ पे मतलब पट्टी वगैरह गले में ही बंधी हुई थी इन्फेक्शन की वजह से, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वो बेचारे बात करते करते रोने लगे, उनकी फिर वाइफ ने मुझे बताया कि अब ये काफ़ी मोमोज खाती थी हमारी बच्ची, और आजकल मतलब इस तरह के बच्चे ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सब मतलब नहीं खाना चाहिए। तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि यार हम भी कहीं पर गलती पर हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सही हैं फातिमा, हम भी कभी कभार बच्चों को मोमोज वगैरह के पैसे दे देते हैं। मैंने रात ही फातिमा से कभी कभार देते हैं, हम कभी कभार देते हैं, हम डेली नहीं खिलाते, रोज नहीं खिलाते, हम भी रोज नहीं खिलाते। और वैसे भी आपको पता है कि हम जो भी फास्ट फूड की अगर आइटम जो भी होती है फातिमा से घर में ही बनवाते हैं, फातिमा घर में बनाती है। चाउमीन खैर हम एक आध दफा बनाइए, बीच में हमने मोमोज हम नहीं बनाते। तो भाई अगर आपके बच्चे मोमोज खा रहे हैं, और बच्चों अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लो बेटा, अगर अपने माँ बाप को परेशानी से बचाना चाहते हो कि आपको लेके हॉस्पिटल जाएं और ख़ुद भी परेशान हो और आप भी परेशान हो, तो बेटा ये मोमोज वगैरह चाउमीन वगैरह खाना छोड़ दो। तो बस ठीक है गाइस, ये छोटी सी बात थी आप लोगों से करनी थी, हमने कह दी है। कुछ अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को बुरी लग जाती है कि भाई तुम क्यों समझा रहे हो हमें। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, जो चीज़ मुझे पता चली आपको भी बतानी चाहिए। बच्चों प्लीज़ उल्टी सी चीज़ें बाहर की बिल्कुल बंद कर दो। और मैंने भी अपने बच्चों से रात ही बोल दिया है आने के बाद वहाँ से कि बेटा मोमोज तुम पहली बात तो खाते कम हो, और जितने भी खाते हो ना अब ये भी आज से बंद, ये भी बंद, बिल्कुल बंद। मैंने रात रियान जवान को समझा दिया, और माशाल्लाह से देखो होता है ना मैदा होता है सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है, सबसे ज़्यादा मैदा नुकसान दे रहा है। और भाई
रात मैंने रियान जोहान को समझाया और माशाल्लाह से दोनों समझ गए। उन्होंने कहा कि डैडी ठीक है अब हम नहीं लाया करेंगे। चाउमीन तो खैर वो लाते नहीं थे, थोड़ा बहुत मोमोज लाते थे वो भी हफ्ते में या दस दिन में एक आध दफ़ा, मगर इंशाल्लाह मैंने अब ऐद कर लिया और बच्चों से भी कह दिया, फातिमा से भी कह दिया कि बिल्कुल मोमोज बंद। तो भाई आप लोग भी अपनी मम्मा पापा की सुने और इस बात को मतलब जहाँ तक वो हमारी आगे तक फैलाएं यार, कि यार ब्लॉग के जरिए से ना फैलाएं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ब्लॉग फैला दो चारों तरफ इस बात को लेके, फ़ोन पे अपने रिश्तेदारों को सबको बता दें इस बात के लिए कि भाई मोमोज वगैरह बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, आप बिल्कुल बैन कर। तो गाइस फातिमा मैडम तो धो रही है कपड़े और ये देखिए मैंने अंडा की शेप में बनाया, ये लग रहा है इसकी उंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फातिमा देखो इधर आ गई तुम, देखो हाथ नहीं लग रहा फातिमा, ये आज मैंने पहली बार, अबे यार ये तो मुझसे फातिमा पलटा भी नहीं जा रहा, जो तुम आए गई तो तुम ही संभालो इसको, ये तो पलटा ही नहीं जा रहा। भाई यहाँ पे चाय में लग रहे हैं खद्दे, देखिए पत्ती कैसे उछल रही है, ये बना कैसा है, पता नहीं कैसा बना, नौ उंगली वाला ये इसकी ग्रिल की वजह से बना, नौ उंगली वाला अंडा बना है, देखो फिर फैल गया, देखो अंडा मैंने कहाँ तक फैला दिया, एक अंडे के 5 अंडे बना दिए मैंने, ये देखो मुझे अच्छा लग रहा देखने में। ये देखो इसकी उंगलियां कहाँ को चली हैं, 1 2 3 इसकी 4 उंगलियां, 1 2 3 4। यहाँ पे अभी मुजफ्फरनगर का सामान ऐसा कैसे पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है स्टेशन पे पड़ा हुआ है सामान सारा का सारा। इधर हमारे घर की सफाई नहीं हुई है, इधर लगी हुई है मशीन, कपड़े तो भाप में धुल गए सारे है ना, पानी निकालना रह गया बस। और भाई घर अभी चारों तरफ से फैला हुआ है, रात थोड़ा सा बहुत राशन मिलाए थे हम, वो भी ऐसे रखा हुआ है अभी। फातिमा मुझे तो ऐसा लग रहा है संडे के अंदर ना मुर्गी की आत्मा है, देखो बिल्कुल पंजा नहीं लग रहा, ये मुर्गी का पंजा भाई, संडे के अंदर ना मुर्गी की आत्मा अभी भी है बाकी। तो गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता लग चुका है भाई, अंडे ब्रेड और रात वाला चिकन है, चाय है और भाई है यहाँ पे कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं है, बस यही है जो भी है कर लेते हैं नाश्ता। गाइस आप लोगों से एक बार दोबारा बोलूँगा भाई, ये वाला चिकन है ना जो फातिमा ने रात बनाया, कल वाली रेसिपी जो दिखाई है भाई, ज़रूर बनाएं ज़रूर बनाएं, मतलब यार इसका जायका जो है ना ऐसा हो रहा है उधम उधम एकदम, हाँ और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है भाई ये, मेरा तो अभी दिल कर रहा है इसी को खाऊंगा, क्योंकि अभी एक बज चुका है, अंडा निखा रहा मैं तो खाना खाऊंगा, अभी एक बज रहा है यार, अब नाश्ते कब रह गया। तो ठीक है गाइस आप भी आ जाइए हमारे साथ मिलके कर लीजिए नाश्ता। और भाई हानिया मेरी तेज़ आवाज़ से डरने लगी है, और हानिया आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ भाई, आप मेरे पास नहीं आ रही, मेरी जान आ गई। ये छुपे छुपाए ना अपने डैडी से प्यार कराता है ये बच्चा आगे, पहले उसके बाद फिर सबसे, उसके बाद तुम लोगों से बात करती है, पहले मुझसे प्यार कराती है आगे, है ना हानिया मेरी रानी, तो बहुत प्यारी बच्ची है। अब देखो मैंने प्यार कर देना, अब आएगी इन सबके पास, ये है ना भाई जो जा कलेजा। तो गाइस मैंने सोचा था कि 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला शाहिद कपूर जैसा सिक्स पैक बना के दिखाऊंगा आप सबको, मगर जब इतना चटपटा नाश्ता मिलेगा ना कि रात के सालन नाश्ते के अंदर खा रहे हम, नहीं बन सकते। शक्ति कपूर तो नहीं बनूंगा, हाँ शशि कपूर जरूर बन के दिखा दूंगा आपको, पेट मुझे मेरा और बाहर आ जाएगा अंदर जाने के बजाय। ख्वातिनों हजरात दोपहर के बज चुके हैं 2 और हम आ चुके हैं छत पे भी कपड़े फैलाने के लिए, आंखें भी नहीं खुल रही, धूप में इतनी तेजी हो रही है। फातिमा तुम चश्मा लगा कर आती काला वाला और सर पे हेलमेट लगा कर आती। मैं छत पे कपड़े फैलाने आई हूँ, मुजफ्फरनगर नहीं जा रही मैं गाड़ी में। तो गाइस अभी यहाँ पे कपड़े फैला लेते हैं, आज मैंने खैर बहुत मदद करी फातिमा के कपड़े धोने में, मैंने मतलब फातिमा को सर्फ दिया धोए, मैं सर्फ तो मैं पकड़ा ही रहा था, सर भी नहीं पकड़ा रहा था मैं, अब यार कुछ तो झूठ बोल लिया करो थोड़ा बहुत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लिया करो इसके अंदर। तो ठीक है गाइस अभी यहाँ पे कपड़े फैला लेते हैं, बस इतनी हेल्प करिए कि मेरे साथ ऊपर कपड़े फैलाना है। और गाइस देखिए इनके सारे कितने सारे बनियान धुले, अबे तो भाई मतलब यार मेरी मेरे धुले कपड़े और सबके धुले, इस दिन को ही कट करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने सेब का पेड़, केले का पेड़, अमरूद का पेड़, चीकू का पेड़, ये सारे पेड़ देखे होंगे, मगर आपने अभी तक वाइट सेब का पेड़ नहीं देखा होगा। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं वाइट सेब का पेड़ जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास लगा हुआ है, आप लोग यकीन मानिएगा, अभी आप लोग सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। गाइस ये देखिए ये है वो वाइट पेड़ का सेब तो गाइस ये देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ बिल्कुल, ये देखिए वाइट कलर के सेब टंगे हुए हैं इसमें। और भाई अभी हमारा खाने का दिल नहीं है इनका, 3 इधर टंगे हुए हैं और एक वहाँ पर दूरी पर है और एक ये रहा, अगर मैं आपको दिखाऊँ पास से और करता हूँ मैं जूम, मतलब बहुत सारे सेब हैं गाइस इस पेड़ के ऊपर, कहाँ पर है। और गाइस ये बताते हैं इसी मौसम में आते हैं वाइट कलर के सेब, तो भाई हमारा भी दिल नहीं है खाने का, जब दिल होगा उसी दिन तोड़ेंगे और इनको खा लेंगे। और गाइस हम तो ऊपर तो देखिए जोहान भी हानिया को ले आया था हमारे पास, और कैसे लाद के लेके जा रहा है जैसे चीनी की बोरी को लटका लिया अपने कंधे पे, ले जा बेटा ध्यान से। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6:30, मैं और फातिमा जा रहे हैं बिट्टू के घर पे, क्योंकि बिट्टू को और मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मामा भांजे हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं 2 दिन से, हम कल वाले व्लॉग में भी गए थे शाम में। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिट्टू की जो वाइफ है नाजिया, उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं है,
हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है नाजिया को। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ 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 नाजिया के लिए दुआ करिए, नाम लेकर दुआ करिए उसकी, कि अल्लाह ताला नाजिया को सेहतयाब कर दे जल्द से जल्द और वो हमारे बीच में आ जाए फटाफट सही सलामत होकर। तो भाई इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए कहते हैं कि मतलब किसी की भी दुआ लग जाती है गाइज, ज़रूरी नहीं है। लोग बाग तो मक्का मदीना में जब लोग बाग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, तो दुआ के लिए ज़रूर कहलवाते हैं। तो भाई मतलब मैंने सोचा कि हम अपनी वीडियो के अंदर छुपाना सही नहीं है, तो यही एक ज़रिया था कि हो सकता है हमारे कोई सब्सक्राइबर हो, अल्लाह ताला उनकी दुआ सुन ले, हमारी ना सुन रहा हो उनकी सुन ले। तो प्लीज़ प्लीज़ नाजिया के लिए आप लोग सब दुआ करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, अभी काफ़ी देर हो गई हमें निकले हुए, रास्ते में पंचर भी हो गया था, पंचर नहीं हुआ था मतलब उसके अभी बिट्टू ने सुबह को टायर बदलवाया था अपनी स्कूटी का, तो उसकी सारी हवा निकल गई टायर की और हमें पता नहीं चला स्कूटी चलाते हुए। अच्छा गाइज़ बिट्टू की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उसको भी चक्कर आ रहे हैं। असल में गाइज़ टेंशन तो देखिए हो ही जाती है घर में, अगर एक सदस्य घर के अंदर बीमार हो जाए तो मतलब टेंशन देखिए बनी जाती है थोड़ी बहुत। तो बिट्टू भी अभी थोड़ा टेंशन में है, तो अभी मैं और बिट्टू दो दिन से डेली जा रहे हैं और अभी जब तक हमारी नाजिया सही नहीं होने की तो हम इंशाल्लाह शाम को रोज़ हॉस्पिटल आएंगे। बस ये है कोशिश कि अल्लाह ताला नाजिया को सेहत याब। फाइनली बिट्टू और मैं हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, ये RML हॉस्पिटल है जो कनाट प्लेस के अंदर बना हुआ है। और गाइज़ इस बात को व्लॉग के अंदर बताना ज़रूरी नहीं था, मगर मैंने सोचा क्यों ना इस बात को बता दिया जाए ताकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं शायद किसी ना किसी की दुआ हमारे बिट्टू को नाजिया को लग जाए। प्लीज़ गाइज़ नाजिया के लिए भी और बिट्टू के लिए भी दुआ करिएगा कि दोनों की तबीयत जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। आज का व्लॉग मतलब गाइज़ ना शेयर बोलूँगा, ना कमेंट्स बोलूँगा, ना लाइक बोलूँगा, बस दुआओं के तलबगार हैं हम आपके। तो प्लीज़ 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 मतलब दुआ करते रहिए दोनों के लिए। और भाई अभी अगर हमारे व्लॉग आप लोगों को सही नहीं लग रहे हों तो प्लीज़ अभी काम चला लीजिएगा, जैसे ही हालात सही होंगे इंशाल्लाह खुद ब खुद हमारे व्लॉग सही से आने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।